Good morning, dear students. Today we are going to learn chapter 7 from your EVS textbook, and the chapter name is Saying Without Speaking. Means के आपको बात करना है, बातचीत करना है, लेकिन बिना बोले. Let's play game Dumb Charades. चलो एक खेल खेलते हैं जिसका नाम है डम्ब चराट्स. मीन्स के एक ऐसा गेम जो बिना बोले खेला जाता है. लेट अस प्ले अ गेम. इन दिस गेम एवरीवन हैज टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग. डिवाइड चिल्ड्रन इनटू स्मॉल ग्रुप्स. चलो एक गेम खेलते हैं. यह एक ऐसा गेम है जिसमें हर कोई अपनी बात बताएगा लेकिन बिना बोले. एक्शन के थ्रू अपनी बात बतानी है. इस गेम को डम्ब चराट्स गेम कहते हैं. ठीक है, और एक ग्रुप बनाना है छोटा सा. ठीक है आपको, और उस गेम को खेलना है. और जो बच्चे हैं, ठीक है, डिवाइड चिल्ड्रन इनटू स्मॉल ग्रुप्स. मीन्स के जो बच्चे हैं उनका आपको ग्रुप बनाना है, एक स्मॉल ग्रुप बनाना है. ठीक है, उसके बाद है योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप्स अ पीस ऑफ पेपर विच अ सिचुएशन रिटर्न ऑन इट. उसके बाद आपको आपके टीचर क्या करेंगे, कागज के ऊपर, कागज के टुकड़े पर सिचुएशन लिख कर देंगे आपको. ठीक है, कि आपको क्या प्ले करना है, आपको क्या एक्ट करना है. ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटर्न ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट. Keep in mind that you cannot speak. You can express through your face and body action. हर ग्रुप में फिर एक बच्चा आकर उस पेपर में जो लिखा है उसे रीड करेगा. ठीक है, पेपर में लिखा हुआ एक साइलेंट एक्ट है, उसको रीड करने के बाद मान लो कि पेपर में लिखा है बाइसिकल, तो आपको पता होना चाहिए कि बाइसिकल का मतलब क्या होता है. ठीक है, साइकिल, तो साइकिल कैसे चलती है आपको पता होना चाहिए. आपको फिर उसका एक्ट करके दिखाना पड़ेगा कि ये साइकिल ऐसे चलती है, तो आप उसको पहचान सकते हो. ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे को ही एक्सप्रेस करना है, उसके हाव भाव को ही दिखाना है आपको, और अपने हाथ पैर हिलाकर आप बता सकते हो. आपको अपने मुंह से कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ एक्ट करके दिखाना है. When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other group. The other will have to guess what is being acted out. Group के सारे member तैयार हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद में one by one, एक के बाद एक perform करने के लिए आते हैं. Means के एक्ट करके दिखाते हैं, और बाकी जो लोग, जो दूसरे ग्रुप वाले जो होते हैं, वो उस एक्ट को गेस करेंगे कि यह कौन सा एक्ट है, कौन सी एक्टिंग हो रही है. नेक्स्ट है थिंक एंड टेल. सोचो और बताओ. ठीक है, बोलो. क्वेश्चन फर्स्ट है आपके लिए, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम. आपको ये गेम पसंद है या नहीं है. ठीक है, आपको ये गेम पसंद है. अगर पसंद है तो यस, और नहीं पसंद है तो नो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फील एनी डिफिकल्टी इन टॉकिंग थ्रू एक्शन. क्या आपके लिए बिना बोले एक्शन करना, बात करना डिफिकल्ट है. ठीक है, अपनी बात रखना डिफिकल्टी है. यस आर नो. हैव यू एवर सीन एनी वन टॉकिंग थ्रू एक्शन. क्या आपने किसी को देखा है कि हाथ पैर हिलाते हुए, एक्शन करते हुए, बातचीत करते हुए, आपने कभी किसी को देखा है. When do people need to talk like this? लोगों को ऐसे एक्शन करके, हाथ पैर हिलाकर बात करने की जरूरत कब पड़ती है, कब पड़ती है, ये आपको सोचना है. Look at the picture. Children are talking through action in the picture. पिक्चर को देखो, यहाँ पर बच्चे हैं जो एक्शन के थ्रू बातचीत कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक, बट देयर आर सम पीपल हु कैन नेदर हियर नॉर स्पीक.
दिस पीपल टॉक थ्रू एक्शंस दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडीइंग देयर लिप मूवमेंट्स। बहुत सारे हमारे जैसे लोग भी होते हैं जो बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुन नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। वो लोग एक्शन के थ्रू बातचीत करते हैं, ठीक है। वो लोग हमारे होठों के जो मूवमेंट होते हैं उसको देखकर वो समझकर बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। वह लोग समझ जाते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं और हम क्या कहना चाहते हैं। वह लोग समझ जाते हैं हमारे होठों के मूवमेंट से। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग। सम ऑफ अस सिंग वेल, अदर्स राइट गुड पोएट्री, सम कैन क्लाइम ट्रीज क्विकली व्हाइल अदर्स कैन रन फास्ट, सम कैन ड्रॉ वेल, अदर्स कैन सिंग इन ट्यून, We are all special in our own ways. Hence, in schools, we can learn from each other. Like all children, children who cannot speak and hear also go to school to read and write. In school, sign language is taught to them. Means, हम लोग सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग अच्छा गाना गा सकते हैं, कुछ लोग अच्छी कविता भी लिख सकते हैं, कुछ लोग ट्रीज के ऊपर जल्दी जल्दी भी चढ़ जाते हैं, कुछ लोग बहुत तेज भी दौड़ सकते हैं और कुछ लोग अच्छी ड्राइंग भी कर सकते हैं। गाना तो सब लोग गा सकते हैं, लेकिन अच्छी ट्यून के साथ, अच्छे सुर के साथ गाना हर कोई नहीं गा सकता। सब लोग अपने अपने तरीके से स्पेशल होते हैं, अपने अपने वे में स्पेशल होते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से दूसरी चीजों को सीख सकते हैं। आप लोगों की तरह कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। वो बच्चे भी स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ठीक है। उन स्कूल में ऐसे बच्चों को साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है, जिसमें हाथों से इशारों से बातचीत करते हैं। वो लोग हाथों के इशारों से बातचीत करते हैं, ठीक है। लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मेनी थिंग्स। एक बच्चे के बारे में बताया जा रहा है जो सुन नहीं सकता, लेकिन वो बहुत सारी चीजें कर सकता है, ठीक है। Me and my sister, मैं और मेरी बहन। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे भाई और बहन के बारे में पोयम लिखी हुई है। Small girl चक्कू, चक्कू नाम की एक छोटी गर्ल है। She cannot hear, वह सुन नहीं सकती है। She is deaf by birth, वो जन्म से ही बहरी है। Her elder brother is नंदू, उसका बड़ा भाई नंदू है। नंदू एंड चक्कू प्ले टुगेदर, नंदू और चक्कू साथ में खेलते हैं। चक्कू प्लेज द पियानो वेरी वेल, चक्कू पियानो बहुत ही अच्छा बजाती है। शी लाइक टू फील द डीप रमलिंग कोर्ड्स, वह गहरे रंबल कोर्ड्स को महसूस करती है, पसंद करती है, ठीक है। लेकिन वह कभी गा नहीं पाएगी, वह धुन नहीं सुन सकती है, ठीक है। बट शी विल नेवर बी एबल सिंग, वह गाना नहीं गा सकती है। शी कैन नॉट हियर द ट्यून, वह सुन नहीं सकती है उस ट्यून को। शी लाइक टू लीप अ टम्बल, टू रोल द क्लाइम टू द टॉप ऑफ द मंकी बार, वह छलांग लगाना, ठीक है, टंबल करना, रोल करना, बंदर की सलाखों के शीर्ष के ऊपर चढ़ना पसंद करती है। नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल, ऑल दो अवर मदर स्टिल हेल्प्स हर लीप रीड एट होम। अब मेरी बहन स्कूल जाने लगी है, हालांकि मेरी माँ अभी भी उसकी हेल्प करती है, वो घर पर ही पढ़ती है। The teacher and children do not understand every word
शी सेज लाइक सिस्टर आर वॉटर आर थम आई वोर माई सन ग्लासेस यस्टरडे द फ्रेम्स वेयर वेरी लार्ज द लेंसेस आर वेरी ब्लैक माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ वेन आई स्पोक। वह कहती है जैसे पानी पीने के लिए थम का यूज करती है। मैंने कल धूप का चश्मा पहना था। फ्रेम बहुत ही बड़े थे, लेंस बहुत काले थे। मेरी बहन ने मुझे बोलने पर मैंने उसे उतार दिया। What do my brown eyes say to her brown eyes? मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी आंखों को क्या कहती है? ठीक है, ये आपको सोचना है। I will explain half part in next class.